तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, मैक्सिमम हाइट कितनी है, सीधा फॉर्मूला यूज कर साइंस को, थीटा बाय 2g। मैक्सिमम हाइट कितनी है, रिपीट है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन अगर याद हो तो लास्ट टाइम किया भी था, टेन वर्स फोर आंसर था, जिसमें ये गिवन है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट इक्वल टू रेंज। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, वी स्क्वायर जी जी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा टेन इनवर्स 4। ये लास्ट टाइम की सब्जेक्टिव शीट की प्रॉब्लम थी, वैसे मुझे याद है टेन इनवर्स 4 आंसर आया था। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कि उसने हाइट और रेंज बराबर करने को कहा, हमने बराबर कर दिया और थीटा टेन इनवर्स 4 आ गया। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, उसके ऊपर एक्सेलेरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी। देखो पूरी जर्नी में एक्सेलेरेशन एक ही होती है ग्रेविटी की वजह से, और वो हर जगह काम करती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जी तो हमेशा नीचे एक्ट करती ही करती है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके नीचे आता ही आता है। तो जी लगना कभी बंद नहीं होता, जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ही। ठीक है, बॉल को फेंका जा रहा है यू के साथ, द मैक्सिमम रेंज कब होगी, वो कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा, जब एंगल क्या होगा 45। सही है, तो एंगल 45। एरोप्लेन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू और पैकेट ड्रॉप किया हाइट एच से, समय कितने समय में ये पैकेट नीचे आएगा। तो हमने टावर वाले क्वेश्चन किए थे, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या 0, तो यू कैन अप्लाई एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से टाइम की वैल्यू आएगी। ये हमने अपनी थ्योरी के अंदर भी किया था। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कितनों का हो गया ये, ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। तो ये क्या गिवन है, इसकी रेंज 60 डिग्री पे रेंज आ गई। अगर बॉल को थ्रो करेंगे विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30, तो रेंज क्या होगी, मैंने शॉर्टकट करवाया था, रेंज रिमेन सेम अगर एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा। अगर एंगल 60 डिग्री या एंगल 90 माइनस 60 कितना 30 डिग्री, रेंज सेम रहेगी। तो अगर 60 डिग्री पे रेंज 90 मीटर है, तो 30 डिग्री पे भी रेंज 90 मीटर ही रहेगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि एंगल 90 और थीटा और 90 माइनस थीटा का एंगल गिवन है इसमें। नेक्स्ट है, तो आपको ये बताना है प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है, 2u sin θ/g। सही है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद अ स्पीड वी नॉट, तो वी नॉट वेलोसिटी से बॉल को फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा। उसी टाइम पे एक पर्सन ने भागना शुरू किया कॉन्स्टेंट स्पीड वी नॉट बाई 2 से, और बॉल को उसने कैच कर लिया। आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, इन दोनों में क्या चीज सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने समय में बॉल इधर गई उतने समय में मैन इधर गया। एक और चीज सेम है इस बार, रेंज, बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया आर, मैन ने भी कितना कवर किया आर। तो बॉल के लिए अगर आर निकालना है, बॉल के लिए अगर एस एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाएं, तो बॉल के लिए डिस्टेंस आर है और वेलोसिटी बॉल की क्या, वी नॉट कॉस थीटा, और कितने समय में, कैपिटल टी। तो बॉल की इक्वेशन क्लियर है, एक्स एक्सिस में बॉल ने डिस्टेंस कितना कवर किया आर, वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी में। ठीक, सेम इक्वेशन मैन के लिए लगा लें, मैन के लिए भी डिस्टेंस कितना है आर, लेकिन वेलोसिटी कितनी है वी नॉट बाई 2, और टाइम टी में, टाइम तो सेम ही है इसमें। तो एक इक्वेशन बॉल के लिए, एक इक्वेशन मैन के लिए, दोनों का आर तो बराबर है, तो दोनों की आर की वैल्यू को इक्वेट कर लें। ठीक, तो पहले बॉल की इक्वेशन ये रही, फिर मैन की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ये बॉल की इक्वेशन है, ये मैन की इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दें, टी से टी कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, कॉस थीटा हाफ आ गया, थीटा कितना 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। ठीक है यहां तक, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री क्लियर है।
ठीक। नेक्स्ट है, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम द सेम हाइट, विच रीच इज द ग्राउंड फर्स्ट। दो बॉल्स को गिर रहे हैं, दो बॉडीज को गिर रहे हैं, हाइट की वैल्यू सेम है, तो दोनों के लिए एच इज इक्वल टू 0 + 1/2 gt² लगाएंगे और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों के लिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम सेम आएगा क्योंकि मास से इंडिपेंडेंट है। दोनों ने हाइट एच कवर की, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, इक्वल टू 1/2 gt² से टाइम बराबर आएगा। एरोप्लेन उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 180 km/h का मतलब मीटर पर सेकेंड में 50, पैकेट ड्रॉप करता है हाइट ऑफ 490 पे, रेंज कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन किए थे, वाई एक्सिस में अप्लाई करो 490 0 + 1/2 gt² से टाइम आ गया, और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर s = vt से वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट है, गन फायर्स टू बुलेट 60 and 30 विद द हॉरिजॉन्टल, द बुलेट स्ट्राइक एट सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द टू बुलेट आर इन द रेशियो। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वो कह रहे हैं 60 पे ले लो, एक बार 30 पे ले लो, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ये भी इजी इजी है, 30-60 पे लेके मैक्सिमम हाइट निकाल लेनी है और फिर उनकी रेशियो निकालनी है, तो v² से v² जी से जी कैंसिल। कोई डाउट इसमें? कितनों का हो गया ये? हो गया, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 degree विद द हॉरिजॉन्टल एंड एट अ स्पीड ऑफ 30, व्हाट इज द एंगल 1.5 सेकंड के बाद एंगल क्या होगा? अब वही सेम क्वेश्चन, 1.5 सेकंड पे बॉडी होगी कहां पे पता नहीं, तो मैंने फिर से क्या निकाल दिया, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट यानी कि टॉप मोस्ट पहुंचने का टाइम, जो कि v sin θ/g, जो कि 1.5 सेकेंड आ गया। अरे वो भी तो ये पूछ रहा है कि 1.5 सेकेंड के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी का एंगल क्या होगा, क्या होगा? जीरो। 1.5 सेकेंड पे बॉडी टॉप पॉइंट पर होगी, और टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर हमेशा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाता है? जीरो। अभी डिस्कशन हुई थी, सीधा आंसर जीरो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहले ये चेक करना चाहिए हमेशा मेरे हिसाब से कि बॉडी लोकेट होगी कहां पर, लेफ्ट में, राइट में, कि टॉप पे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर जीरो एंगल बनाएगा। चलो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ही हैं। कितने लोगों के ये दो क्वेश्चन हुए 14 and 15, पहले ये बताओ 15 कैसे हुआ, 14 हो गया। देखो इन क्वेश्चंस को करने की स्पेशल टेक्निक है, इसको समझ लो। परसेंटेज के क्वेश्चंस मैथ्स में यूज होते हैं, जैसे अगर कोई मुझे ये कहे मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेस बाय 5%, मतलब पहले हाइट h1 थी, अब हाइट h2 है, इंक्रीज h2 माइनस h1 है, उसको ओरिजिनल हाइट से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, तो ये क्या आएगी? परसेंटेज चेंज इन हाइट। तो परसेंटेज चेंज इन हाइट क्या होगा? चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट इंटू 100, ऐसे लिखते हैं। और ये मान लो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5%, ये गिवन है। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि जब हाइट h1 है तो रेंज r1 है, नई रेंज r2 है, इंक्रीज इन रेंज r2 माइनस r1 है, ओरिजिनल r1 है, और मुझे ये परसेंटेज निकालना है, ये क्वेश्चन है। राइट, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है कि परसेंटेज हाइट का चेंज क्या होता है, परसेंटेज रेंज का चेंज क्या होता है। फिजिक्स के अंदर मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा,
मैं इसके लिखूंगा डी, मैं इसको लिखूंगा डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, क्योंकि डेल्टा आर का मतलब क्या है, आर टू माइनस आर वन। ऐसे इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कैसे लिखेंगे? अब देखो प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो कह रहा है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट 5% बढ़ गई, रेंज कितने परसेंट बढ़ी, ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं हाइट और रेंज का आपस में रिलेशन निकाल ना लूं। नहीं ऐसे करते हैं ना, नया बना लेते हैं, देखो कैसे, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, हाइट लिख लें, रेंज लिख लें, साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख लें, फिर हाइट को और रेंज के फॉर्मूले को डिवाइड कर लें, हाइट और रेंज डिवाइड करें, ये टर्म इससे डिवाइड करें, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, जी से जी, साइन से साइन कैंसल, आपके पास आंसर टैन थीटा बाय 4 आ जाएगा। तो एच बाय आर की रेशियो क्या आ जाएगी सॉल्व करके, टैन थीटा बाय 4, क्योंकि दोनों इस पूरे दोनों केस में थीटा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट आएगा, तो एच बाय आर इज अ कांस्टेंट आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है रिलेशन कैसे निकालना है? बेस्ट तरीका रिलेशन निकालने का, दो आपको एच और आर में रिलेशन लिखने, आप एच लिखो आप आर लिखो, दोनों को डिवाइड करो, सब कैंसिल हो जाएगा, एच और आर बच जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? 5 मिनट में बुला लूंगा, अब जाओ 5 मिनट में, ठीक। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, एच आ गया आर आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके ये टर्म हो गई। अब ओरली आंसर आ गया, ओरली कैसे, एच प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर एच 5% बढ़ गया तो आर भी 5% बढ़ गया, अगर एच डबल हो गया तो आर भी डबल हो गया, 3 हो गया 3 टाइम्स हो गया, 5% हो गया 5% हो गया, आंसर सीधा 5% हो गया, आंसर तो आ गया। लेकिन मैं इसको करने का मैथमेटिकल तरीका ये बताता हूँ, जो अप्रॉक्सीमेट तरीका है, रिलेशन आ गया, तुम ना एरर का रूल लगा दो, और जिन्होंने एरर नहीं किए पहले एरर का चैप्टर सुन ले जाके, उनको समझ में नहीं आएगा। एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, इसकी पावर क्या है, 1 इंटू डेल्टा एच बाई एच, 1 इंटू डेल्टा आर बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये देखो ये कितना गिवन है 5%, ये कितना आ गया 5%। आपको तो वैसे भी कर रहे एरर का रूल लगाने की जरूरत क्या थी, प्रोपोर्शनैलिटी में आंसर 5% आ ही रहा था, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये लगाना पड़ेगा, ओरली आएगा ही नहीं, ये रूल समझो क्या है। तो पहले ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर दोनों नोट कर लेना चाहिए क्या, जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेस बाय 10%, ये क्या गिवन है बताओ, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, कितना 10%, कीपिंग ऑल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये निकालना है। तो पहले मुझे एच का और कैपिटल टी का रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो हाइट का फॉर्मूला लिख लें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख लें, 2b साइन थीटा बाय जी। अब एक प्रॉब्लम है, ध्यान से देख ले पहले, अगर मैं डायरेक्टली इन्हें डिवाइड कर दूं तो एच और टी का रिलेशन आएगा, पर प्रॉब्लम यह है बीच में वी नहीं इलिमिनेट होगा, जबकि वी भी इलिमिनेट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, तो टी स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब एच और टी को टी स्क्वायर को डिवाइड किया, ताकि वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, सॉल्व करके कैंसिल करके ये टर्म आ गई जी बाई एट, जी इज अ कॉन्स्टेंट, एट इज अ कॉन्स्टेंट, आंसर क्या आ गया, एच इज सम कॉन्स्टेंट इन टू टी स्क्वायर। तो मान लो आपने एच लिखा, आपने टी लिखा, टी का स्क्वायर करना पड़ा आपको ताकि वेलोसिटी स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको, तो ये रिलेशन आ गया। ये लॉग वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, कई बुक्स यूज करती हैं, हम नहीं करेंगे। तो यहां से अब सीधा एरर का रूल लगाना, डेल्टा यहां पे डेल्टा एच बाई एच 2 इंटू डेल्टा, यहां पे आ जाओ, यहां पे देख लो मेथड देख लो, डेल्टा एच बाई एच 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 100 से मल्टीप्लाई, हाइट का परसेंटेज चेंज 10% गिवन है, तो टाइम का परसेंटेज चेंज क्या आएगा, 10/2, 5% इज द आंसर। दो मिनट लूंगा, मैथ का तरीका तो है ही है, मैथ का तरीका तो है ही कि आप पहले रेशियो निकाल लो, एच वन निकाल लो, एच टू निकाल लो, आर वन निकाल लो, आर टू, वो तो है ही है, पर ये मेथड बहुत जल्दी क्विकली आपका आंसर निकालता है,
क्योंकि कोई भी अगर आपको फॉर्मूला पता लग जाए और आपको परसेंटेज चेंज एक का गिवन और दूसरे का निकालना हो तो ये तरीका सबसे सही है। ठीक, अब अगर क्वेश्चन मैथ्स की क्लास में क्वेश्चन आ जाए और मैथ्स का टीचर कहे कि परसेंटेज चेंज एच का पता है और टी का निकाल लो, तो भाई उनको मत समझाना कि मैंने नहीं आपको करवाया। ये इनफॉर्मल तरीका है और ये अप्रॉक्सीमेट तरीका है। अब एक स्टूडेंट दूसरे बैच में बोला अप्रॉक्सीमेट तरीका कैसे, तो एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, एरर का रूल सही लगा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट आंसर का मतलब क्या हुआ, कभी कभी इस मेथड से मैथ से एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 20%, ये देगा 18.5%, इतना फर्क भी डाल देता है ये। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, पर हाँ आपके बहुत 95% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिना पेन को हाथ लगाए सीधा आंसर निकाल देता है, बड़ी बड़ी परसेंटेज को ठीक कर देता है। तो फिर ये एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहा, उसने पूछा। वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एरर के एक्सपोनेंट रूल्स को डराइव करने के लिए हमने जो प्रूफ किए थे उसमें बाइनोमियल लगाई थी और बाइनोमियल में टर्म निगलेक्ट भी हुई थी, बहुत छोटी टर्म है उसको छोड़ दो, छोड़ते गए छोटा आंसर निकाला, वो अप्रोक्सीमेशन वहां से चल रही है जिस वजह से आपके आंसर एग्जैक्ट इसमें आएंगे नहीं। बट इतने तो आ जाएंगे, मैथ ना सॉल्व कर पाए फिजिक्स की प्रॉब्लम तो ये परसेंटेज की एक मिनट में सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं तो इसे बहुत लगाता हूँ, सच पूछो तो बुक्स भी बहुत लगाती हैं। ओके, सारी बुक्स यही लगाती हैं, फिजिक्स वाले तो यही लगाते हैं, जितने फिजिक्स के टीचर हैं सब ये लगाते हैं, कोई नहीं लगाता H2H1 रेशियो का, तो कौन लगाएगा सीधा आंसर। तो इसे नोट करना, आप नोट भी कर सकते हो। ठीक, तो ये नोट करना है, नोट कर लो, ये आंसर है।